हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण यशोदानन्दना ब्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना ब्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan, Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai.
जयो जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। जयो नृसिंहदेव प्रह्लादेश जयो नृसिंहदेव। जयो जयो प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नितई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की नितई गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। आप सबका बहुत स्वागत है हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम में। और अभी आप लोगों में से मायापुर कौन कौन गए थे? मायापुर कोई नहीं गया था? अच्छा, अभी यहाँ से कुछ 50 भक्त मायापुर गए थे और पिछले हफ्ते ही वापस आए हैं, तो बहुत लंबे समय बाद हम लोग एक साथ मिल रहे हैं। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं, पहली बार इस्कॉन के कार्यक्रम में आए? आप सबका बहुत स्वागत है, हम सभी इनका स्वागत करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
इस्कॉन अर्थ है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन की संस्थापना आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व 1966 में जो हमारे फाउंडर आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, इन्होंने की थी। और पूरे विश्व में लगभग 1000 मंदिर इस्कॉन के हैं जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार, भगवद गीता का प्रचार प्रसार सारी दुनिया में कर रहे हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप लोग भगवान से जुड़ने के लिए आ जाए हैं। वास्तव में भगवान अपने दोनों हाथ फैला के हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम भूले भटके आ जाए हैं। तो आज हमारा हैप्पी बर्थडे है क्योंकि जो जैसे यहाँ पर झूमर है, ये झूमर जब तक करंट से कनेक्टेड नहीं रहेगा तो इसकी कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू है नहीं। तो जिस दिन हम भगवान से जुड़ जाते हैं उस दिन हमारे जीवन में सार्थकता आती है, हमारा जीवन में जीवन आता है। वास्तव में उसके पहले हम लोग मरे हुए रहते हैं। जैसे पानी में कई बार जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कई चीजें ऊपर नीचे पानी की लहर के जैसे तैर रही, उनके अंदर जीवन नहीं होता है। जिसके अंदर जीवन होता है, जैसे मछली है, वो पानी में तैरती है, विहार करती है। इसी प्रकार से अधिकांश लोग दुनिया में केवल बहाव में बहते चले जाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कब शुरू होता है? जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आप भगवान की शरण में आए हैं। हम लोग प्रति रविवार श्रीमद् भगवद गीता से पाठ करते हैं, और किसको याद है कहाँ तक हमने भगवद गीता पाठ कर चुके हैं? कहाँ तक भगवद गीता का पाठ पूरा हो गया? गीता में कितने अध्याय हैं किसको पता नहीं है? सबको पता है? 20 अध्याय हैं, सबको पता है ना? कौन कौन बोलते गीता में 20 अध्याय हैं? 25, 16, 18, कोई और उम्मीदवार है? 18 अध्याय। 18 अध्याय में से पहले 5 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए। इन 5 अध्यायों का नाम कौन बता सकता है? फर्स्ट 5 चैप्टर्स गीता के। ओके, वेरी गुड। सेकंड अध्याय का नाम एक एक करके चाहिए। सेकंड गीता का सार। गीता का सार क्या है? सेकंड चैप्टर तो है सेकंड चैप्टर तो है, लेकिन गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, ये गीता का सार है? गीता का सार क्या है? गीता का सार शुरू होता है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और कैसे इस आत्मा की खोज से हम धीरे धीरे परमात्मा तक पहुंचते हैं, इसको सांख्य योग बोलते हैं, गीता का सार। तृतीय अध्याय का नाम क्या है? थर्ड चैप्टर। हाँ, कौन बोला? कर्मयोग। गूगल तो नहीं किया ना? गूगल नहीं करना है, बिना देखे बोलो। फोर्थ चैप्टर दिव्य ज्ञान, वेरी गुड। फिफ्थ चैप्टर कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। तो हम लोगों ने अभी ये श्रृंखला में 5 अध्याय पूर्ण किए हैं, और आज हम षष्ठम अध्याय ध्यान योग शुरू करने वाले हैं। जब भी आध्यात्म की बात आती है तो आध्यात्म का संबंध ध्यान से बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। जब भी हम बोलते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं तो लोग पहला प्रश्न पूछते हैं, आप ध्यान वगैरह करते हैं? पूछते हैं ना। आध्यात्म का संबंध ध्यान से बहुत गहरी रूप से जुड़ा हुआ है। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य जगत में गए प्रचार करने के लिए गीता का, तो उनकी भेंट बहुत सारे युवाओं से, युवतियों से हुई जो ध्यान की खोज में थे, ध्यान कैसे करना है। और ध्यान का कंसेप्ट क्या होता है?
कि आपको अपनी आंखें बंद करके कुछ नहीं सोचना है। मान लीजिए अभी हम सबको बोले अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। डर लगता है ना, कुछ कोई लेकर जाएगा नहीं, आप आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने में भी इतनी तकलीफ होती है, ध्यान कैसे होगा। आंखें बंद करने के बाद अभी आपको कुछ भी नहीं सोचना है, एकदम शांत, कुछ भी नहीं सोचना है। लाल बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, घोड़े के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, बर्गर पिज्जा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जो जो मैं शब्द बोलूंगा वही आपके सामने आएंगे। ये होता है ध्यान का सीमता। हम जो कलयुग में हैं, ध्यान करना बहुत कठिन है। एक बार एक भक्त मंदिर में जप करा रहे थे। आप सब में से कौन कौन जप करते हैं प्रतिरूप से, प्रतिदिन के रूप से अधिकांश लोग जप करते हैं। तो एक भक्त एक मंदिर में जप करा रहे थे, तो एक छोटा सा बच्चा था, मान लो आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बच्चे ऐसा करते हैं हमेशा सबके सामने बेइज्जती करवाते हैं इनका नाम क्या है, अनुकल्प। तो अनुकल्प जी से थोड़ा बड़ा एक बच्चा था। तो एक भक्त उनको जप करा रहे थे, नए लोग आए थे मंदिर में, उनको माला करा रहे थे। तो ये बच्चा बड़े ध्यान से करके जप कर रहा था। तो प्रभु जी को मतलब एक आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा बच्चा पहली बार मैं जप करा रहा हूँ, इतनी तल्लीनता से कैसे जप कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि उस झोली है उसके पास, उसमें हाथ डाल के जप कर रहा है। तो थोड़ी देर बाद वो प्रभु जी ने बोला, तुम्हारी माला पूरी हो गई? तो बोले, प्रभु जी माला तो है ही नहीं, झोली में माला है ही नहीं, लेकिन बाकी लोग जिस तरह हिल के जप कर रहे थे उसी तरह वो भी जप कर रहा था। तो ध्यान की जब बात आती है तो हम कई बार देख दिखा के सुन सुना के ध्यान प्रक्रिया करते हैं। कोई बल्ब को देखता है, कोई बिंदु को देखता है, कोई अलग अलग माध्यम से ध्यान करता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ध्यान योग बता रहे हैं। वास्तविक ध्यान क्या है, ध्यान करने का गंतव्य क्या है। देखिए, जितनी भी शास्त्रों में उल्लेख है उनका एक ही उद्देश्य है, भगवान तक पहुंचना। हमने इस बारे में बहुत बार चर्चा की है पहले भी। योग शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। हिंदी में योग मतलब क्या होता है, एडिशन, जोड़ना। गीता में सर्वाधिक अध्याय योग नाम से है, कर्म योग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग। योग का अर्थ ही है जोड़ना। तो किस से जोड़ना, खुद को भगवान से जोड़ना, ये होता है योग। तो ध्यान का अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या है, अपने आप को भगवान से जोड़ना। हम जो एक्सरसाइज करते हैं उसमें और योग में क्या अंतर होता है, क्या योगा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज नहीं है, वो एक पद्धति है जिससे हम अपने आप को भगवान से जोड़ सकते हैं। अगर हम उस उद्देश्य को भूल जाएंगे तो वो केवल एक क्रिया रह जाएगी। जैसे हम लोग स्कूल में सब पीटी करते थे ना, 1 2 3, ऐसी क्रिया रह जाएगी, ध्यान योग नहीं रहेगा। तो हम भगवान के मुख से सुनेंगे कि ध्यान योग क्या होता है। तो पहला श्लोक इस 6वें अध्याय का आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं पहले बोलूंगा, आप लोग पीछे दोहराइएगा। श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्म फलम्, कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, नानिन अग्रि न च क्रिया। श्री भगवान वाच, अनाश्रितः कर्म फलम्, कार्यं कर्म करोति यः, स संन्यासी च योगी च, नानिरग्निन च क्रिया। देखिए, गीता में और बाकी शास्त्रों में
ये पार्थक्यता है। कई लोग अपनी अपनी किताबें लिख देते हैं, सेवन सक्सेसफुल हैबिट्स, इस तरह बहुत किताबें आप मार्केट में जाएंगे, बहुत आपको किताबें मिलेंगी। जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं उनके साथ वही घटना हो जाती है। जैसे अमेरिका में एक बहुत ही फेमस राइटर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, अपने मित्रों को और संबंधियों को कैसे उनके ऊपर प्रेरणा की जाए, कैसे उनसे संबंध अच्छा किया जाए, इसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। और वही अपने जीवन में आत्महत्या करते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनके दोस्त से उनकी अनबन हो गई थी। तो ये पार्थक्यता होती है। सुनना तो हमें है ही, हम सुबह उठते से ही प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, कि पूरा दिन हम प्रश्न उत्तर ही करते रहते हैं, कितना टाइम हुआ है, उठना है कि नहीं उठना है, आज खाने में क्या बना है, जॉब में क्या होना है, बारिश आएगी कि नहीं आएगी, इस तरह हम लोग के प्रश्न उत्तर में ही पूरा दिन निकलता है। लेकिन सही उत्तर देने वाला वही हो सकता है जो सब कुछ जानता हो, वो है भगवान। तो यहाँ पर कृष्ण उवाच नहीं बोला है, क्या बोला है? श्री भगवान उवाच। आप देखेंगे इसमें लिखा है अर्जुन उवाच आता है, अर्जुन बोल रहे हैं, धृतराष्ट्र उवाच आता है, धृतराष्ट्र बोल रहे हैं, संजय उवाच आता है, संजय बोल रहे हैं। लेकिन इस धार्मिक ग्रंथ का मेन मूल्य क्या है? इसमें श्री भगवान उवाच, भगवान बोल रहे हैं, और भगवान बता रहे हैं कि उनसे युक्त होने की क्या पद्धति है। तो ये श्लोक में उन्होंने जो बताया है, मैं हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं, श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। ये गीता बोल रही है। सामान्यतः जब हम भारतवर्ष में साधुओं को ढूंढते हैं, ऐसे साधु हमको अच्छे लगते हैं जिनकी दाढ़ी बड़ी हो, जिनका थोड़ा नंगे पैर चलते हो, जो मौन व्रत धारण करते हो, एक कुटिया में रहते हो। इसका समर्थन भगवान गीता में नहीं कर रहे। भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? कौन सन्यासी है? वास्तविक सन्यासी कौन है? जो अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है वह सन्यासी है। ये गीता का संदेश है। कई बार हम लोग इन्हीं भ्रांतियों में फंस के अपने धर्म को ठीक से समझ नहीं पाते। हम लोगों को लगता है कि धर्म के नाम पे हमको भगवा वस्त्र पहनना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, किसी बाबा साधु के पास जाके पैसा देना पड़ेगा। ये गीता का संदेश नहीं है। आप पूरी गीता में पढ़ेंगे इस तरह कोई संदेश नहीं है। गीता हमको अपने अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ना सिखाती है, कुछ छोड़ना सिखाती नहीं। तो उस आधार पे भगवान भगवद गीता में ध्यान योग की शुरुआत कर रहे हैं। कोई बोल सकता है कि ध्यान योग मतलब तो भगवान को बताना चाहिए ना, बैठे कुछ आसन लगाओ, मुद्रा लगाओ, ध्यान लगाओ, ये भी भगवान बताएंगे आगे। लेकिन भगवान इसके साथ ये भी बताएंगे कि ये कितना कठिन है और ये संभव नहीं है। जैसे कई बार किसी को अगर ना करना हो तो उसका भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कोई वस्तु मांगी कि भैया आपकी गाड़ी दे दो चलाने के लिए, और आपको उसको ना बोलना है, तो उसका भी एक तरीका होता है। अरे वो गाड़ी तो बहुत खराब है, उसका ब्रेक फेल है, ले जा सकते हो आप, नहीं ब्रेक फेल है, आप चलाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, खबर आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह बोलेंगे तो कौन गाड़ी लेके जाएगा? कोई गाड़ी लेके जाएगा नहीं। उसी तरह भगवान भगवद गीता में ध्यान योग बता रहे हैं, लेकिन इस तरह उल्लेख पूरे अध्याय में करेंगे जिससे ऐसा लगेगा कि ध्यान योग करना नहीं चाहिए, इससे अच्छा भक्ति करना चाहिए। ये भगवान का स्टाइल है बताने का। तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। ये तात्पर्य श्रील प्रभुपाद ने लिखा है इस श्लोक को ठीक तरह समझने के लिए। कोई एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहते हैं पेज पढ़ सकते हैं। प्रभु जी पहले पढ़िए। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं?
कि भगवान इस अध्याय में अष्टांग योग की पद्धति बताएंगे। अष्टांग योग किस किस को मालूम है क्या होता है? अष्टांग योग, अष्टांग योग योग की पूर्ण प्रक्रिया है। इसके 8 स्तर होते हैं, यम नियम से शुरू होता है प्रत्याहार, और इस स्तर से उठ के व्यक्ति समाधि तक जाता है। सबसे पहला होता है यम, अपने आप के ऊपर संयम रखना। फिर होता है नियम धारण करना, प्रत्याहार, खाने पीने पे कंट्रोल करना। इस तरह शुरू होता है अष्टांग योग की प्रक्रिया, जो धारण समाधि तक जाती है। इसका उल्लेख इस अध्याय में विस्तृत रूप से होगा, लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं है, ये स्थापित भगवान करेंगे। और क्या प्रैक्टिकल है, वो है हमारे कर्मों को कैसे हम कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। जैसे हम लोग सभी लोग खाते हैं, उस खाने की क्रिया को कैसे भक्ति बना सकते हैं भगवान को भोग अर्पित करके। हम सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसको कैसे आध्यात्मिक कर सकते हैं भगवान की सेवा में उसको लगा। हम माइक्रोफोन यूज कर रहे हैं, माइक सिस्टम यूज कर रहे हैं, टेबल्स यूज कर रहे हैं, सारे संसाधन यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा। तो इसी क्रिया को भक्ति कहलाते हैं। आगे पढ़िए, आप पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना कर्म के फलों को भोग करने के उद्देश्य से नहीं, अंतर है। हमारे भक्ति प्रेम महाराज कुछ दिन पहले प्रवचन में बता रहे थे कि जब वो उज्जैन में नए नए आए थे, तो बंगाल से आए थे, तो उनको उज्जैन की भाषा इतना पता नहीं था कि यहाँ के लोग कैसी बात करते हैं। तो जब नए नए आए थे तो सभी लोग उनको बोलते थे, महाराज जी सेवा का मौका दीजिए। सेवा का मौका सुन के हमको कैसा लगेगा कि शायद सेवा करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर सेवा का मौका दीजिए का मतलब क्या होता है? हमको कुछ बिजनेस दीजिए, आपके मंदिर में काम दीजिए जिससे हमको सैलरी मिलेगी, कुछ प्रॉफिट उठाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति वास्तव में निस्वार्थ कर्म नहीं करना चाहता। देखिए, एक परिवार में भी हम आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कुछ तो कुछ स्वार्थ होता है। कंपनी में हम जो काम करते हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ तो होता है। निस्वार्थ प्रेम की सबसे परिकष्ट अवस्था अगर हम भौतिक जगत में देख सकते हैं, तो वो है एक माता का और एक पुत्र का प्रेम। इससे ज्यादा निस्वार्थता इस दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलती। और उसमें भी बहुत समय ऐसा होता है कि पुत्र माता को छोड़ देता है, बहुत बार होता है, अभी आजकल चल रहा है। तो उस तरह स्थिति में निस्वार्थ संबंध देखने बहुत कम मिलते हैं। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे सेवा का उद्देश्य होता है निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना करना। आप सभी लोग जानते हैं श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का उल्लेख है। और भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं में से एक बहुत ही सुंदर लीला है, जब वो वन में अपने बालकों के साथ जाते थे, मैक्सिमम टाइम सब लोग लंच बॉक्स लेके जाते थे, एक दूसरे को खिलाते थे। बहुत सुंदर, आप लोगों ने टीवी पे भी देखा होगा, भागवत में पढ़ा होगा। एक बार ऐसा हुआ कि वो लोग वन में चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच गए, कृष्ण और बलराम और उनके ग्वालबाल सफर सका। और चलते चलते जब दूर तक पहुंच गए, तो उनको भूख लगी। अब भूख जब लग रही थी, तो ग्वाल बालक सोच रहे थे कि यदि हमको भूख लगी है, इसका मतलब भगवान को कितनी भूख लगी हो। इस तरह भावना हमारे अंदर आती है। किस किस के घर में लड्डू गोपाल विग्रह है? लड्डू गोपाल विग्रह है, आप सभी उनको नहलाते हैं? कौन कौन ठंडों में गर्म पानी से नहलाते हैं? आधे हाथ कटे हुए। हम लोग ठंडे पानी से नहीं नहा पाते हैं, भगवान कैसे नहा पाते हैं? हम लोग गर्मी में नहीं बैठ पाते हैं, वो कैसे गर्मी में बैठ पाते हैं? तो निस्वार्थता होना भक्ति का पहला लक्षण है। जो ग्वाल बाल को भूख लगी, पहला क्या स्मरण आया? भगवान को कितनी भूख लगी होगी। हम घूमने जाते हैं, लड्डू गोपाल को उड़ा के चले जाते हैं,
क्या वो एक मूर्ति है जिनके ऊपर धूल ना जमे? उनको बाल्य रूप से सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे घर में कोई महान व्यक्ति आएंगे, मान लीजिए मुख्यमंत्री आते हैं या प्रधानमंत्री आते हैं, क्या हमको चादर उड़ा के हम लोग बाहर चले जाएंगे घूमने के लिए? कभी नहीं जाएंगे। तो भगवान हमारे घर में है, लेकिन उनकी कैसे देखरेख करना है, कैसे सेवा करना है, ये निर्भर करता है हमारी भक्ति में कितनी आस्था है। हम अपने बारे में कितना सोचते हैं, भगवान के बारे में कितना सोचते हैं। तो उस आधार पर ग्वाल बालक सोच रहे थे कि भगवान को कितनी भूख लगी, और वो ये भी सोच रहे थे अगर हम जा करके भगवान को ये बोलेंगे कि आपको बहुत भूख लगी है, तो वो हो सकता है मना कर दें कि नहीं नहीं अब तो पहुंच ही जाएंगे, शाम को घर वापस जाएंगे, यशोदा माता बड़ा प्रसाद खिलाएंगे। लेकिन यदि हम उनको ये बोलेंगे कि हमको भूख लगी है, तो वो शायद मैटर सीरियसली लेंगे। आप संबंध देखिए, भक्त और भगवान के बीच में कितना प्रेममय संबंध होता है। तो ये ग्वाल बाल जाके भगवान को बोलते हैं कि हमको बहुत भूख लगी, और हमको भूख लगी है तो आपको भी भूख लगी होगी। तो भगवान बोलते हैं हाँ, हमको सबको भूख लगी है। पास ही में कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, और आप वहां पर जाइए, बड़े मिष्ठान पकवान वहां पर बने हैं यज्ञ के आयोजन में। आप जाकर के उनसे बोलिए कि हम सब भूखे हैं, और हमारे लिए आप वहां से भोग लाइए। तो ये सारे सखा लोग जाते हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे होते हैं। द्वापर युग में बड़े अनुष्ठान होते थे, बड़ा बड़ा यज्ञ बना है, सारे ब्राह्मण लोग आहुति दे रहे हैं, शुद्ध मंत्रों का जाप चल रहा है। इस तरह आयोजन में बहुत पकवान बने थे, जो उनकी पत्नियां थी ब्राह्मणों की, उन्होंने बहुत पकवान बनाए थे। तो ये ब्राह्मणों के पास जाके ये बच्चे खड़े हो गए और उनसे बात करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। क्यों नहीं देख रहे थे? क्यों नहीं देख रहे थे? क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ में इतने व्यस्त थे, बच्चों को थोड़ी अभी हम क्लास कर रहे हैं तो बच्चे यहाँ पर मस्ती करेंगे, तो उनके ऊपर कम ध्यान देना चाहिए। उसी तरीके से वो लोग यज्ञ में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने बच्चों को ठीक से बात तक नहीं की। किसी ने बात की भी, उन्होंने बोला कि कृष्ण बलराम भूखे हैं, हम लोग भूखे हैं, उन्होंने बोला अब यज्ञ चल रहा है, डिस्टर्ब मत करो, ये बोल के उनको भगा दिया। यज्ञ किस लिए करते हैं हम? यज्ञ का मुख्य उद्देश्य होता है भगवान विष्णु की संतुष्टि, समसिद्धिर हरितोषणम्। भगवान विष्णु की संतुष्टि यज्ञों का मुख्य प्रयोजन होता है, और वही भगवान कृष्ण बलराम सामने खड़े हैं और ये लोग क्या बोल रहे हैं, हमको यज्ञ करने। तो ये हमारे साथ होता है। हम बहुत धार्मिक हैं, हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम लोग अलग अलग अर्थ से पूजा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं। तो ये बात जब ब्राह्मणों ने उनको बोली कि हम बहुत व्यस्त हैं, सारे ग्वाल बाल दुखी होकर कृष्ण बलराम के पास आए, और कृष्ण बलराम के पास आकर के बोले कि हमको किसी ने भाव नहीं दिया, प्रसाद तो बहुत दूर की बात है। तो कृष्ण बलराम ने बोला ठीक है, मायूस मत हो, अभी उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनको बोलना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। भागवत में पहली प्रार्थना किसकी आती है आपको मालूम है? भागवत ग्रंथ में पहली प्रार्थना किसकी आती है? भागवत में बहुत प्रार्थना है, पहली प्रार्थना आती है कुंती महारानी की। माताओं को भगवान के प्रति ज्यादा आसक्ति होती है। आप कोई भागवत कथा में बाहर जाएंगे, आप देखेंगे माताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वो हृदय से कोमल होती हैं, भगवान के प्रति स्वाभाविक उनका प्रेम होता है, आस्था होती है। जैसे ये सखा लोग सारे भगवान के गए और ये ब्राह्मण पत्नियों को बोला कि भगवान कृष्ण और बलराम जंगल में आए हैं, पूरा भी नहीं कर पाए कि भूखे हैं, वो लोग तुरंत अच्छा आए हैं तो वो भूखे होंगे, तो उनको हमको प्रसाद खिलाना चाहिए। तो जितना यज्ञ का सामान था वो सब उठा करके उनको खिलाने के लिए चली गई। अभी यहाँ पर यज्ञ पूरा होके भोग की बारी आई तो ढूंढने लगे तो पूरा यहाँ तो सफाट, प्रसाद तो छोड़ो पत्नियां भी गायब है। तो सारे ब्राह्मण टेंशन में आ गए, कहाँ गए सब, किडनैपिंग हो गई, क्या हो गया, सब गायब, कहाँ चले गए? कृष्ण बलराम को खिलाने। कृष्ण बलराम ने प्रसाद दिया, और जिस तरह जड़ में पानी
डालने से पूरा पेड़ पोषित हो जाता है। कृष्ण बलराम की संतुष्टि से सारे ग्वाल बाल सब संतुष्ट हो गए, यहाँ ब्राह्मण लोग भी संतुष्ट हो गए, बिना खाए संतुष्ट हो गए। जब ये पत्नियां वापस आई तो बहुत डर रही थी कि देखो उनके यज्ञ भंग करके हम भोग लेकर के वहां चले गए। अभी आप लोग क्लास में बैठे हैं, क्लास के बाद आपको प्रसाद मिलता है, आपको मालूम है प्रसाद मिलेगा। आप सोचिए आपके लिए जो प्रसाद बनाया है सुमंगल माधव पर उठा के बाहर बांट के आ रही, तो कैसा लगेगा? उनको तो टेंशन होगी ना। तो प्रसाद जो यज्ञ के लिए बना था वो सारा बांट के आ गए, तो उनको वापस जाने में डर लग रहा था। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं संतुष्ट हूं, मतलब जगत संतुष्ट है, वापस जाओ। जब वो वापस आई, जब ब्राह्मणों को पता पड़ा कि साक्षात कृष्ण बलराम को खिला करके आई है और उनकी संतुष्टि से पूरे विश्व की संतुष्टि होती है, तो ब्राह्मण लोग अपनी पत्नियों के चरणों में गिर गए। ये पार्थक्यता होती है। धर्म हो, ध्यान हो, भक्ति हो, सबका गंतव्य है श्री कृष्ण। विद्या का भी अंत गंतव्य है श्री कृष्ण, जप का गंतव्य है श्री कृष्ण। एक भक्त था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, जो आज से 500 साल पहले आए, उनसे मिलने के लिए बहुत दूर से यात्रा करके आ रहे थे। उनका नाम था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनके साथ एक और यात्री चल के जा रहे थे और इतने महान व्यक्ति थे कि राम भगवान का नाम निरंतर लेते रहते थे, निरंतर उठते बैठते चलते फिरते और कुछ नहीं, केवल भगवान राम का नाम लेते थे। और जो लोग चैतन्य महाप्रभु के विषय में जानते हैं वो लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की। तो जिसने हरिनाम संकीर्तन की शुरुआत की, वो भगवान का नाम जो कोई लेता है उससे कितना प्रेम करना चाहिए, है ना? मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है और कोई 200 किलो का आदमी चलता हुआ आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? आपकी दुकान के सामने 200 किलो का आदमी मिठाई की दुकान में है आपकी आ रहा है, आपको क्या लगेगा? आज बिक्री होगी, आपका मेन कैंडिडेट है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम देने के लिए आए, जिन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र दिया, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पास कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो निरंतर भगवान का नाम लेता है, उसको कैसे कितनी खुशी होनी चाहिए। जब वो भगवान के सामने आया, चैतन्य महाप्रभु के सामने आगे खड़ा हुआ, महाप्रभु ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाप्रभु ने उनको इतना नेग्लेक्ट क्यों किया। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि महाप्रभु क्या बात है, वो तो निरंतर भगवान राम का नाम लेता है, आप क्यों उनको अपनी कृपा नहीं देते? चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं वो राम का नाम ले रहा है लेकिन उसका उद्देश्य है राम बनना। कई लोग करते हैं ना, जब साधन करते हैं हम बाद में भगवान बन जाएंगे, बाद में ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। पिता पिता रहते हैं, पुत्र पुत्र रहता है, पुत्र कभी पिता नहीं बनता है। उसी तरह से जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बनती। हम लोग भगवदीय बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। भगवान के संपर्क में आएंगे उतने समय हमारे अंदर आध्यात्मिक गुण रहेंगे। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहे को जब हम आग में रखते हैं तो कैसा हो जाता है? आग जैसा दिखता है ना, एकदम लाल होता है, जलाएगा भी, आप टच करेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आग से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? ठंडा होके दोबारा से लोहा बन जाए। उस तरह स्थिति हमारी है। भगवान श्री कृष्ण वो ज्वाला के समान है, वो अग्नि के समान है और हम लोहे के समान है। हम जितना समय अग्नि में रहेंगे अग्नि की गुण हमारे अंदर रहेंगे, जैसे ही हम उनसे विलग हो जाएंगे वैसे ही हम दोबारा से उन गुणों को खो देंगे, हम भौतिक बन जाएंगे। तो यहां पर भगवान उसी चीज पर बल दे रहे हैं कि कैसे उद्देश्य हमारे कर्मों का क्या होना चाहिए, भगवान की सेवा का। ये सेवा निस्वार्थ होना चाहिए। आप सबने प्रहलाद महाराज का नाम सुना है? प्रहलाद महाराज का नाम किसने नहीं सुना है? भारत में सभी ने सुना है, नरसिंहदेव और प्रहलाद महाराज की कथा सबने सुनी। तो जब हिरण्यकश्यप का ऑपरेशन हो गया, हिरण्यकश्यप मर गया, उसके बाद प्रहलाद महाराज जब सुंदर प्रार्थनाएं नरसिंहदेव को करते हैं तो नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से बोलते हैं कि आप मांगिए आपको क्या चाहिए।
हम लोग मंदिर में मांगने के लिए आते हैं, सोचिए भगवान आपके यहाँ आकर के बोले, आपके घर पे, नरसिंहदेव तो प्रहलाद के घर में आए ना, घर में आके होम डिलीवरी करके अगर आशीर्वाद देना चाहें तो कौन क्या क्या मांगेगा? अच्छी बड़ी लिस्ट हमको बनाने के लिए रेडी होना चाहिए। तो क्या मांगना है ये भी हमको ज्ञान होना चाहिए। एक व्यक्ति को भगवान ने बोला तुम्हारे पास 3 वरदान है, मांगो। तो वो भगवान से बोलता है, भगवान मेरी नाक बहुत चपटी है, इसको लंबा कर दीजिए। तो भगवान ने उसकी नाक एकदम तलवार जैसी लंबी कर दी। बोलता है नहीं नहीं ऐसी नाक नहीं चाहिए थी। सेकंड वरदान, नाक ही मिटा दी। फिर और टेंशन में आ गया, नहीं नहीं जैसे पहले थी वैसी कर दीजिए। तो ये अर्थ होता है क्या मांगना है वो भी नहीं मालूम। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बार जंगल में एक बूढ़ी माता लकड़ी इकट्ठी करने जाती थी, तो जंगल में बड़ी थक गई, चकनाचूर हो गई, वहाँ बैठ गई, रोने लगी और रोते रोते भगवान कृष्ण का नाम लेने लगी। तो भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए, बोले माता मैं तुम्हारा दुख नहीं देख पा रहा हूँ, तुमको देख के मैं खुश हो गया हूँ, और तुमको क्या चाहिए मांगो। तो वो माता बोलती है, भगवान मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं अकेली हूँ। बोले इसलिए तो मैं आया हूँ, मांगो क्या मांगना है। बोले ये लकड़ी का गठरा दोबारा मेरे सिर पे रख दो। ये होता है हमारे साथ, क्या मांगना है वो भी नहीं मालूम। तो प्रहलाद महाराज से नरसिंहदेव पूछते हैं, बेटा मांगो क्या चाहिए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, हमको आपने बनिया समझा है क्या, हमने भक्ति आपकी इस दिन के लिए की थी क्या, आपको कुछ देंगे तो आप हमको कुछ देंगे। अगर आपको कुछ देना है तो ये दीजिए कि हमारे अंदर से मांगने की भावना खत्म हो जाए। कितने दिन मांगते रहेंगे हम? दुकान पे जाकर के सामान खरीद सकते हैं, भगवान के पास आने की जरूरत नहीं है भगवान से सामान मांगने। ठीक है, अंधा मामा से काणा मामा अच्छा, कुछ नई से तो इसलिए मंदिर आना कि भगवान से कुछ इच्छा है, वो भी ठीक है। लेकिन भक्ति हमें सिखाती है कैसे भगवान से हम अगर कुछ मांगना चाहें तो हम उनसे उनका प्रेम मांगें, उनसे संबंध मांगें। मान लीजिए कोई एक गरीब व्यक्ति है जिसका टूटा फूटा घर है, उसके घर के लिए रास्ता नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है, और उसको भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं, आप एक कोई भी चीज मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। वो इतना चालाक व्यक्ति है, वो बोलता है कि एक काम कीजिए, आप मेरे घर में एक दिन डिनर के लिए आइए। तो अगर प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर आएंगे इस्कॉन मंदिर में, उज्जैन में, तो हमारी रोड ऐसी रहेगी क्या? नई रोड डल जाएगी, पुताई हो जाएगी, सब कुछ, मंदिर भी हमारा शायद पेंट करा देंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसी तरीके से वो व्यक्ति ने जब उनको डिनर के लिए बुलाया तो उसके घर में रास्ता बन गया, उसका घर रिपेयर हो गया, बैठने के लिए डाइनिंग टेबल चाहिए, किचन अच्छी चाहिए, तो सब कुछ मिल गया। क्यों? कि भगवान उनके जीवन में आ गए। यही अर्जुन और दुर्योधन में अंतर है। अर्जुन भी युद्ध लड़ रहा है, दुर्योधन भी युद्ध लड़ रहा है, अंतर क्या है? किस किस के घर में दुर्योधन नाम का व्यक्ति है? किसने अपने बच्चे का नाम, रिलेटिव का नाम दुर्योधन रखा हो? किसी ने? कोई नहीं रखता ना। अर्जुन किस किस के घर में कोई रिलेटिव का नाम है? बहुत लोगों का नाम अर्जुन है। क्या अंतर है? दोनों ने लड़ाई की ना, दोनों में अंतर क्या है? एक ने कृष्ण को मांगा और एक ने कृष्ण की सेना को मांगा, यही अंतर। तो हमारे जीवन में अगर हम कुछ कुछ सार्थक चीज हासिल करना चाहते हैं वो है भगवान से संबंध, वह चीज हमको मांगनी चाहिए। प्रहलाद महाराज ने यही सिखाया कि मैं मांगने की इच्छा ना हो, आपकी शुद्ध भक्ति कर पाऊं, आपसे मैं जुड़ पाऊं। तो भगवान यहाँ यही बता रहे हैं कि जीवात्मा का उद्देश्य है परमात्मा से सेवामयी रूप से संपर्क रखना। आगे कौन पढ़ेंगे? किसकी आवाज थी हमारे?
यहाँ पर उसी चीज को आगे विश्लेषण किया जा रहा है कि कैसे निस्वार्थ होना भक्ति की शुरुआत है। कई बार हम देखते हैं जानवर भी निस्वार्थ होते हैं। आप किसी जानवर को प्रेम से बुलाएंगे, वो प्रेममय व्यवहार आपके साथ करेगा। आप किसी जानवर के ऊपर क्रूरता दिखाएंगे, वो आपके सारे उस तरह व्यवहार करेगा। एक बार एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था और भाग रहा था क्योंकि उसके पीछे शेर पड़ गया। तो शेर जब पीछे पड़ा तो फुल स्पीड में भाग रहा था। भागते 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 एक पेड़ दिखा उसको, तो पेड़ पे चढ़ने वाला था। जब पेड़ पे चढ़ रहा था तो ऊपर उसने देखा एक रीच बैठा है, एक भालू बैठा है। तो उस भालू ने बोला, आ जाओ मैं तुम्हें शरण देता हूं। तो भालू की शरण में आकर के वो बालक वहां पर पेड़ पे बैठ गया। अभी शेर नीचे खड़ा है। शेर भालू को बोलता है, तुम इस बालक को मुझे दे दो। भालू बोलता है, नहीं, मैंने इसको आश्रय दिया है, जिसको मैंने आश्रय दिया है उसको मैं आपके हवाले नहीं कर सकता। शेर ने बोला, ठीक है मैं इंतजार करता हूं। थोड़ी देर में भालू की नींद लग गई। अब ये लड़का जग रहा था। अब शेर लड़के को बोलता है, तुम एक काम करो, भालू को धक्का दे दो, भालू को मुझे दे दो। और ये इतना चालाक ये चढ़ के भालू को धक्का देने लगा। ये मानव है ना, मानव के अंदर एक्स्ट्रा दिमाग है। वो भालू का धक्का देने लगा, उससे भालू की नींद खुल गई। अब शेर बोलता है, देखो किसको तुमने शरण दी थी, ये बालक ही तुमको धक्का दे के नीचे गिरा रहा है। भालू बोलता है, हाँ लेकिन फिर भी मैं इसको नीचे नहीं उतारूंगा, क्योंकि मैं जामवंत का वंशज हूं, मैंने गद्दारी नहीं सीखी। तो हम लोग मानव हैं, हमारे अंदर जानवर से ज्यादा गुण होने चाहिए। निस्वार्थ भावना जानवरों के अंदर भी होती है। तो इससे ज्यादा कितना निस्वार्थता भगवान के साथ आदान प्रदान में हमारी होनी चाहिए। उसी सिद्धांत को हम भगवद गीता में बार बार पढ़ेंगे। अनाश्रित कर्म फला, ये श्लोक कैसे शुरू हो रहा है? अनाश्रित कर्म का आश्रय नहीं लेना है। आश्रय वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। कर्म का आश्रय नहीं लेना है, कर्म फल का आश्रय नहीं लेना है, अपने कर्मों को भगवान से संबंधित करना है। ये होती है भक्ति। आगे मैं पढ़ता हूं, त्याग की सर्वोच्च प्रतीक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रणेता हैं, 500 साल पहले जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया, उन्होंने सिखाया है कि भक्ति क्या है, भगवान के पास जाकर के क्या प्रार्थना करनी चाहिए। हम लोग क्या प्रार्थना करते हैं भगवान के पास आकर के, और हमको हमारे आचार्य क्या सिखाते हैं, इसमें अंतर देखना है। ना धनम, धनम नहीं, ना जन्म, मान प्रतिष्ठा नहीं, ना सुंदरी, सुंदर स्त्रियां नहीं, कविताम वा जगदीश कामये, इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ये जगदीश शब्द एक और जगह आता है, प्रचलित आरती है हमारे भारतवर्ष में, उसमें हम यही बोलते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। इसके ठीक विपरीत हमारे आचार्य सिखाते हैं क्या, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। मतलब जन्म जन्म तक, मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, क्या करोगे? तुमको धन नहीं चाहिए, मान सम्मान नहीं चाहिए, कोई भौतिक संबंध नहीं चाहिए, और जन्म जन्म तक भी आना है तो करोगे क्या? भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि, अहेतुकी भक्ति आपकी मुझे करना है, जिसमें कोई हेतु ना हो। तो आप सब ये पीछे मेरे दोहराएंगे ये प्रार्थना, ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहितु की त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह करने की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने की अभिलाषी हूं, ना ही मुझे
अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा का ही अभिलाषी हूं। तो ये प्रार्थना भक्त करते हैं और यही गीता का मूलभूत सिद्धांत है। अर्जुन गीता पढ़ के ना सन्यासी बना ना भौतिकवादी बना। गीता में अंत में अर्जुन ने क्या बोला, करिष्ये वचनम तवा, हे भगवान आप जो मुझे बोलेंगे मैं वही करूंगा। ये सिद्धांत को लेके हम भक्ति जीवन में आगे बढ़ते हैं, यही कृष्ण भावनामृत का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? कभी कभी माता बच्चों को बोलती है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मैं तुम्हें खिलौना दिला दूं। लेकिन पढ़ाई करने का उद्देश्य खिलौना नहीं है। पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है, वो अपने जीवन में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है। उसी तरह जब शास्त्रों में आता है कि आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आप भगवत धाम चले जाएंगे, ये हमको भक्ति में प्रेरणा देने के लिए। लेकिन शुद्ध भक्त जैसे चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं जन्म जन्म आकर के आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मुक्ति के लिए पूरी दुनिया पागल है, कैसे मुक्ति मिल जाए। अध्यात्म के लिए लोगों का क्या गंतव्य है, अध्यात्म का गंतव्य क्या है, मुक्त हो जाना। लेकिन भक्त ऐसी मुक्ति की कामना नहीं करते अगर उधर सेवा ना हो। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारे, अगर यहाँ रखना है मैं यहाँ रहूंगा, अगर भगवत धाम में रखना है मैं वहां रहूंगा, लेकिन मुझे आपकी सेवा मिलती रहे, ये सर्वोच्च है। बाकी फिर मुक्ति की कामना रखना, भगवत धाम जाने की कामना रखना एक स्तर तक ठीक है, उसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्त इससे ऊपर उठ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जहां मैं आपकी सेवा कर पाऊं वहां मैं रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र अपने भगवत धाम वापस गए, हनुमान जी को भी जाने की इच्छा थी, उनको भगवान ने रखा। क्या भगवान राम हनुमान से प्रेम नहीं करते थे? सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन उनको क्यों रखा? कि भगवान रामचंद्र की महिमा, भगवान रामचंद्र का नाम, इसको विस्तृत कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी भी तो किसी को उठानी है। भगवान का प्रिय मित्र उद्धव इतना प्रिय है, उनके जैसा दिखता है, उनके जैसा ही वर्ण है, उनके जैसे ही कपड़े पहनता है। जब उद्धव ब्रजमंडल में आए थे नंदगांव में, तो ब्रजवासी देख करके विस्मृत हो गए थे कि ये कृष्ण आ गए। पास में जाकर के बहुत देर बाद पता पड़ा कि ये कृष्ण नहीं और कोई है, इतना प्रेम कृष्ण और उद्धव के बीच में। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को वापस जाते हैं तो किसको छोड़ के जाते हैं? उद्धव को छोड़ के जाते हैं। उद्धव को बोलते, नहीं तुम रुको, तुमको मैंने जो ज्ञान दिया है उद्धव गीता का ज्ञान, ये तुम आगे आगे प्रसार प्रचार करो। तो इसीलिए भक्त भगवान की संतुष्टि के लिए सेवा करते हैं, चाहे इस संसार में हो चाहे भगवत धाम। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, हम यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण।